एक्टिव मीडिया प्रेस क्लब के तत्वावधान में स्मारिका 2018 का विमोचन एवं मसूरी गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि रहे। आयोजित कार्यक्रम में एक्टिव मीडिया प्रेस क्लब मसूरी से जुड़े सदस्यों ने पहली बार स्मारिका का प्रकाशन किया। इस मौके पर सामाजिक क्षेत्रों में उत्तम कार्यों के लिए 5 विभूतियों को विधानसभा अध्यक्ष के हाथों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने एक्टिव मीडिया क्लब से जुड़े पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण है। इस कार्य को क्लब से जुड़े पत्रकारों ने जनहित में जारी स्मारिका और समाज सेवा से जुड़े लोगों को सम्मानित कर एक सराहनीय संदेश देकर पूरा किया है। लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ पत्रकारिता है। मैं मसूरी के पत्रकार साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक पॉजिटिव शुरुआत यहां पर की है। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी काम करने वाले कुछ लोगों को यहां पर सम्मानित किया है और एक स्मारिका का विमोचन किया है, जिसमें मसूरी का इतिहास, मसूरी की कई जानकारियां जो मुझे भी नहीं थी मैंने उसमें आज देखी हैं। इस अवसर पर मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उनके प्रेस क्लब के निर्माण के लिए मैंने 11 लाख रुपये देने की घोषणा की है और क्षेत्र का विधायक होने के नाते आगे भरोसा दिलाता हूँ कि इस प्रकार का कंस्ट्रक्टिव वर्क अगर हमारी ये प्रेस क्लब करती है तो जितना भी योगदान होगा मेरी तरफ से मैं हमेशा देने के लिए तत्पर हूँ। विधानसभा में हमने अपने विधानसभा की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने क्वेश्चन के रूप में वहां पर लगाए हैं। सत्र के बाद आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मैं लगातार विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर, चाहे विपक्ष की सरकार हो चाहे अपनी सरकार हो, मैंने अपने क्षेत्र के लिए हमेशा लड़ाई को लड़ा है और इस सत्र में भी आप देखेंगे कि उनका भी उल्लेख करना ठीक नहीं है। मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सत्र में लगाए। सत्र हमारा लगभग अब अंतिम स्थिति में हम लोग आ गए हैं और 18 तारीख से सत्र चल रहा है, तो हमारी तैयारी लगभग पूरी है। देहरादून में सत्र होगा 28 से 24 तक का, अभी तक का जो हमारा कार्यक्रम है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से माननीय विधायकों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी लगाए हैं, उनके बारे में हम लोग पूरी तैयार हैं। और विभागों को जिस प्रकार से हमारे यहाँ से जाता है प्रश्न और प्रश्नों के बाद जब विभाग तैयारी करता है तो वो तैयारियां चल रही है। बहुत जल्द हम लोग कार्यमंत्रणा की समिति हम लोग की बैठक बुलाएंगे और सुरक्षा समिति और दलीय बैठक बुला के उनके तमाम तैयारियों की अंतिम रूप हम लोग बहुत जल्दी अब दे देंगे। तो मुझे लगता है कि विधानसभा सत्र जो देहरादून में होने वाला है वो अपने पूरी स्थिति में हम लोग तैयार हैं और बहुत जल्दी वो हम लोग उसमें पूरा करें। एक्टिव मीडिया प्रेस क्लब मसूरी द्वारा आज पहला एक पत्रिका का विमोचन उनके द्वारा यहाँ पे किया गया और उसके साथ साथ जो 5 ऐसी हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट योगदान दिया, आज उनको सम्मानित करने का काम हमारे इन मीडिया के साथियों ने किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, साधुवाद दे रहा हूँ और निश्चित रूप से उन महान हस्तियों को भी मैं बधाई दे रहा हूँ जिनका योगदान हमारे समाज के लिए अपने अपने क्षेत्रों में रहा है। ये एक अच्छी परंपरा है। मैं समझता हूँ कि यदि मीडिया जगत के हमारे तमाम साथी इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और इनसे बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट।